नमस्कार दोस्तों, वहाँ है डीटीएच चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं टाटा स्काई सेटअप बॉक्स सॉफ्टवेयर अपग्रेड कैसे करते हैं वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। हमारे चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कभी हमारा सेटअप बॉक्स हैंग होता है और रिमोट वर्किंग भी कर नहीं रहा और सेटअप बॉक्स से नो सिग्नल का एरर आता है, तब हमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ता है। सबसे पहले हमें सेटअप बॉक्स में से जो पावर आता है वो स्विच ऑन करने होगी। अब हमें ये तीन लाइट सभी एक साथ जलेगी, तब उसमें हमें बैक बटन प्रेस करना है, उसके साथ 2485 भी प्रेस करना है, तब हमें देखो ये नया सॉफ्टवेयर अब डाउनलोड हो रहा है। देखो सेटअप बॉक्स में स्टैंड बाय और अलर्ट की दो लाइट जल रही है। जब नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है तब ये परसेंटेज 100% तक होना चाहिए, बीच में से बंद नहीं होना चाहिए, वरना सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा। नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है वही परसेंटेज अब 100 हो गया है। देखो ये सेटअप बॉक्स बंद हो चुका है, अब सेटअप बॉक्स ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, उसमें हमें कुछ करना नहीं। देख लो ये सेटअप बॉक्स स्टार्ट हो गया है और चैनल भी चल रही है।